हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और बहुत सारा विशेष आया था एनिवर्सरी में, आप सबको थैंक यू सो मच। और ये ना एक प्लास्टिक वार्डरोब है, प्लास्टिक सेट वार्डरोब, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसको सेट करने के बाद। और आज ना हमारे एक रैक आने वाली है। ये जो रैक है वो बहुत किचन में ना बहुत स्टोरेज का प्रॉब्लम है अभी, तो इसीलिए हस्बैंड ने ऑर्डर दिए थे रैक लाने के लिए, तो आज आएगा, आ गया है रैक। तो अभी ना मैं तो बहुत रिलैक्स हो गई हूँ रैक आने के बाद, क्योंकि मुझे ना चीज़ ढूंढने में, चीज़ को रखने में, कोई भी ग्रॉसरी लाती थी ना, मतलब रखने के लिए डब्बे तो थे लेकिन रखने के जगह नहीं था, ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ। तो अभी इतना झुकना, नीचे कितना रखूं, कैबिनेट के अंदर जगह भी नहीं है कैबिनेट में, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रख रही हूँ। बाद में मैं फुर्सत देख के अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी भी रखना है, क्योंकि हमारे घर में कोई आने वाले हैं और मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, आप लोग देखना नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन आने वाले हैं हमारे घर में। और अभी बहुत सारे हमारे घर में अभी मस्ती होने वाली है, बहुत सब आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे ना मैं पूरा रूम को मेकओवर करूँगी आज, क्योंकि ये जो सामान देखिए ना पूरा साइड में है ना, या सीटिंग एरिया है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टोरेज करके रखा है और स्क्रीन से उसको ढक लिया है, जो कि रूम गंदा नहीं दिखता है और बाहर भी कुछ देखने के लिए लायक नहीं है, तो इसीलिए मैंने स्टोरेज का स्पेस उसको बना दिया है। बहुत अच्छे से स्टोरेज होता है और थोड़ा जगह मैंने रखा है बीच में बैठने के लिए। एक कलर का स्क्रीन नहीं लगाई हूँ, दो डिफरेंट कलर का लगाई हूँ, उसमें बहुत अच्छा लुक आता है रूम में। तो यहाँ पे मैं ना ये बेड पूजा के रूम में रखूँगी, क्योंकि उधर भी सोने वाले हैं और इधर ये रूम में भी सोएंगे, और इसीलिए मैं वो बेड को उधर शिफ्ट करूँगी। और गद्दा बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो डोर है ना बहुत नैरो है, तो बेड नहीं जाता है, तो मुझे बहुत मुश्किल से मैं लेके गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे, और ऐसे उसको साइड करके लेना पड़ा पूरा। पूजा के रूम में तो बहुत और ज़्यादा नैरो है, तो साइड करके लेना पड़ा मुझे। और यहाँ पे मैं गद्दा डाल दूँगी, गद्दा तो मेरे पास तीन है, ये बहुत पुराने गद्दा है, तो मैंने ऐसे रखा है, कोई भी मेहमान ज़्यादा रिलेटिव आ जाते हैं तो ये सिंगल करके वो लोग सो सकते हैं, तो एक साथ अभी तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं तीन ही एक साथ रखूँगी। और बेडशीट भी डाल देंगे, अभी सोने के लिए भी बहुत सारे डायरेक्शन है, मानते हैं डायरेक्शन को, तो मैं साउथ डायरेक्शन में रखा है बेड को, और साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन करके सोते हैं, हेड करके, साउथ में हेड करो या ईस्ट में करो वो बेस्ट रहता है। और ये पूजा के रूम मेरा मेकओवर हो गया, अभी मैं वही वाला बड़ा रूम जो है ना उसको मेकओवर करूँगी। थोड़ा सा झाड़ू मैंने कर दिया है, क्योंकि बेड था उधर गंदा हो गया था नीचे। और ये जो फोल्डिंग गद्दा है मेरे पास, ये 6 फिट का है, तो बहुत बड़ा है, इसमें तो 3 जन आराम से आ जाते हैं, ऐसे ज़रूरत पड़े तो हम खोल देते हैं, नहीं तो हम फोल्ड करके रख देते हैं, लाइक सोफ़ा बेड कम सोफ़ा जैसा है। ये बीच में पिलो रखते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है लुक वाइज। और ये जो है प्लास्टिक सेट वार्डरोब बहुत स्टेडी है और बहुत मजबूत, मैं क्या बोलूँ, ये बेस्ट है, जो रेंट में रहते हैं ना इनके लिए बहुत अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है। और इसमें बहुत सारा सामान रह जाएगा, ऐसे गिरेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये यीशु के लिए हमने मंगाया था, तो ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और मंगा लेंगे। और अभी हो गया है पूरा रूम, मैंने सिंपल रखा है, क्योंकि यीशु के खेलने के लिए भी जगह थोड़ा चाहिए, वो हर रूम में जाता है। और आज मैं वॉशरूम क्लीन करने वाली हूँ, डीप क्लीन कर लूँगी, और यहाँ पे सारे जो सामान है ना उसको सब एक जगह में पॉकेट में डाल के बाहर रख लूँगी, क्योंकि अभी गंदा हो जाएगा पूरा वॉशरूम। तो यहाँ पे 3 वॉशरूम है, लेकिन ये जो कॉमन वाले जो वॉशरूम होता है ना हॉल में है, तो ये सब यूज़ करते हैं हस्बैंड और मैं भी करती हूँ, यीशु भी नहाता है इधर, तो मेहमान भी जो आएंगे ना वो इधर ही जाएंगे, क्योंकि इधर गीज़र है, यहाँ पे बहुत पानी बहुत ठंडा आता है, तो इसीलिए
तो यहाँ पे ना हम पूरा हारपिक को लगा के पूरा स्प्रेड कर देंगे कमोड में, और उसको रख देंगे 10-15 मिनट, छोड़ देंगे अच्छे से उसको स्प्रेड करना है। और बहुत दाग भी रहता है कमोड में, तो मैं ऐसे प्रेस करके करती हूँ। आप ग्लोव्स पहन के कर सकते हो, लेकिन ग्लोव्स मैं बाद में पहनूंगी, अभी पहना है मैंने ग्लोव्स, क्योंकि जब मैं छोटा ब्रश में करती थी ना तो ग्लोव्स निकल जाता था ग्लोव्स से वो, तो इसीलिए, तो ये जो बड़ा वाला ब्रश है ना वो होल्ड हो जाता है अच्छे से, तो इसीलिए मैंने अभी ग्लोव्स पहना है। तो आप पूरा ग्लोव्स पहन के कीजिए, क्योंकि वो केमिकल्स बेस्ड रहता है, तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है हाथों में। अभी उसको रेस्ट करने देंगे 10-15 मिनट। और यहाँ पे ना मैं पूरा वॉल को पहले उसको रब करने से पहले अच्छे से उसको गीला कर देंगे वॉल को, क्योंकि जो दाग है ना वो अच्छे से नहीं निकलेगा, नहीं तो गीला करने के बाद मैं जो रेड कलर का हारपिक आता है ना, ये बेस्ट है टाइल्स के लिए। आपके बाथरूम में जितना भी गंदा है या शावर में है या टैप में है, सब निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको जो स्क्रॉच ब्राइट आता है होल्डिंग वाला, उसी से ही मैं लगा के अच्छे से घिस लूँगी। पूरा जितने वॉशरूम में टाइल्स है सब मैं कोने कोने में सब मैं जाके उसको घिस लूँगी। और थोड़ा सा मैंने ऐसे लाइन में डाल दिया है, क्योंकि पूरा मुझे टाइल्स में पूरा वॉल में ही क्लीन करना है, तो ऐसे करके मैं पूरा कर लूँगी क्लीन। और मेक श्योर कि आप लोग जब भी करते हो ना बाथरूम क्लीन, कोई भी पॉलीथीन पहन लो या ग्लोव्स पहन के कीजिए, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो हाथ में रिएक्शन भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही ग्लोव्स या पॉलीथीन आता है वो भी आप पहन के कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, हाथ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता है, रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा था, तो मैं सब ऐसे पहले तो इस स्क्रॉच ब्राइट में करूँगी हैंड वाला, फिर मैं जो एल्युमिनियम तार रहता है ना वो गाला का ही होता है, और आपका वो हर ब्रांड का मिल जाएगा, उसमें अच्छे से हम रब कर लेंगे पूरा कोने कोने में जाके, और पूरा अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन आपको ना वो रेड हारपिक डालने के बाद रुकना है 10-15 मिनट, फिर आप करिएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अभी मैं जो टैप है ना, टैप में भी जब नहाते हैं ना तो पानी चिपक जाता है, और जो सूख जाता है ना पानी का दाग वो टैप में रह जाता है, वो थोड़ा सा उसमें डाल के अच्छे से घिस लेंगे तो पूरा रब कर लेंगे अच्छे से तो पूरा निकल जाता है। यहाँ पे भी मैं भी कर दूँगी, रब कर दूँगी जो टॉयलेट का है, और यहाँ पे जो हैंड स्प्रे का है ना उसको भी मैं पाइप में लगा दूँगी, अच्छे से निकल जाता है पूरा गंदा जो होता है ना पूरा निकल जाता है। और पूरा टाइल में अभी मुझे रब करना है, क्योंकि पानी गिरता है ना तो बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो कोने कोने में सब स्लिप भी होने का चांसेस है। यीशु तो जब जाता है ना, मैं तो उसको ध्यान से लेके जाती हूँ, क्योंकि पानी जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे बहुत स्लिपरी हो जाता है जमा हो के। तो यहाँ पे मैं पूरा कोने कोने में उस तार की हेल्प से, एल्युमिनियम का जो तार है उसकी हेल्प से मैं पूरा साफ़ कर दूँगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, रेड हारपिक मस्ट यूज़ करिएगा, और कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आपके पूरा बाथरूम पूरा क्लीन हो जाएगा। आप मतलब बेसिन में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, टाइल्स में सब में कर सकते हो ये यूज़। और यहाँ पे पूरा देखिए पूरा क्लीन हो गया है, कितना मेल निकल रहा है। और यहाँ पे पूरा कोने में ये जो ड्रेन एरिया है ना, इसमें बहुत गंदा रहता है, क्योंकि पानी इधर ही जमा होता है, तो यहाँ पे अच्छे से साफ करना चाहिए। और ये पूरा जो धार है कोने वाला है, इसमें सब चिपक जाता है, और इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जर्म्स कीटाणु सब रहते हैं इधर, तो इसीलिए अच्छे से साफ़ कर देंगे, नहीं तो छोटे बच्चे भी घर में रहते हैं ना, तो क्लीन जितना रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़े भी नहाते हैं, छोटे भी नहाते हैं, तो बैक्टीरिया तो होते ही हैं वॉशरूम में। तो हम पूरा कोने कोने में जाके साफ़ करेंगे तो वॉशरूम क्लीन रहेगा, और इतना बीमारी भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आजकल के बच्चे तो पानी में बहुत रहते हैं, यशु तो बहुत टाइम पानी में रहता है, वॉशरूम में वो बहुत टाइम स्पेंड करता है, तो इसलिए मुझे पूरा साफ रखना पड़ता है। ऐसे पूरा करके मैं पूरा जो कमर है ना उसको मैं पूरा साफ़ कर लूँगी,
और पूरा अभी क्या करेंगे ना, वो सूख जाता है ना, तो अभी सूख गया है तो मैं थोड़ा झाड़ू से उसको अच्छे से रब कर लूँगी, जो कि पूरा निकल जाएगा। उसके बाद में अच्छे से पानी डाल के उसको धो लूँगी पूरा वॉल में। हम झाड़ू के हेल्प से, ये प्लास्टिक झाड़ू है तो उसकी हेल्प से हम पूरा रब कर लेंगे, पूरा निकल जाएगा। अभी पूरा हो गया है मेरा वॉल साफ़। अभी मैं जो लोवर विंडो है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। ये वेंटिलेशन के लिए रहता है वॉशरूम में, लेकिन मैं हमेशा उसको बंद रखती हूँ क्योंकि बहुत मिट्टी आते हैं बाहर से। तो अभी मैंने जस्ट खोल के उसको मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बहुत सा जो ग्लास होता है ना वेंटिलेशन के लिए, उसमें सब जमा हो जाता है मिट्टी। और यहाँ पर एक अच्छी सिस्टम है, यहाँ पर सारे विंडो हो गया, स्लाइड डोर हो गया, या वॉशरूम में जो लोवर विंडो हो गया उसमें सब नेट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर शायद मच्छर होते होंगे बहुत। बिल्डर ने सबके घर में दिया है, जितने भी फ्लैट है इधर पूरा सोसाइटी में नेट ही लगा है सबके घर में। और मैं अच्छे से क्लीन उसको कर दिया है अभी। अभी अच्छे से उसको कमर को भी धो लेंगे, क्योंकि अभी हो गया है 10-15 मिनट, धो लेंगे अच्छे से उसको। और फिर से मैं ग्लोव्स पहन लूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से करना है अच्छे से। अभी क्या, पहले से मैंने अच्छे से रब कर लिया था, अभी जस्ट लाइट करूँगी तो सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो टूथब्रश है ना, कोने कोने में तो बड़ा ब्रश नहीं जाते, तो जो टूथब्रश पुराने टूथब्रश हैं तो उसी से मैं, उसी की हेल्प से मैं कोने कोने में उसके अंदर में घिस लेती हूँ, पूरा क्लीन हो जाता है कमर। अभी लगभग हो गया है, अभी जस्ट मैं ये फाइनल मैं कर रही हूँ, क्योंकि पूरा फ्लोर मैंने कर लिया था। अभी मैं वाइप अप कर दूँगी, पूरा वाइप कर लूँगी। बहुत क्लीन हो गया, आपको दिख रहा है कि कितना गंदा था और कितना अच्छा हो गया है। और ये बेसिन भी मैं साफ़ कर लूँगी, बेसिन मैंने नहीं किया था क्योंकि आज पूरा मैं क्या रोज़ सुबह बेसिन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा। ये बेसिन हम यूज़ करते हैं खाने के टाइम में, वॉश करने के लिए माउथ वगैरह हैंड वॉश करते हैं, तो इसलिए मैं आज सुबह तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे पूरा बाथरूम वॉशरूम पूरा क्लीन करना था, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे पूरा क्लीन कर देंगे, और पूरा नीचे की हिस्से भी हम क्लीन कर लेंगे, और जो हैंग स्प्रे रहता है उधर भी हम कर लेंगे क्लीन। और ये मिरर में ना बहुत गंदा हो गया था, मैंने जब से आया ये मिरर साफ़ नहीं किया था, बहुत गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अभी पूरा मैं वाइप कर लूँगी, क्योंकि पूरा ऊपर का जितना था ना मैंने साफ़ कर दिया। वॉल साफ़ हो गया है, लोअर विंडो साफ़ हो गया है, बेसिन साफ़ हो गया है, सिर्फ फ्लोर अभी मैं वाइप कर लूँगी अच्छे से और उसको साफ़ कर लूँगी। क्लीन करना है पूरा पूरा, मतलब पूरा मैं दिखा भी नहीं सकती, इतना ब्लैक है टाइल्स। आपको प्रीवियस नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत गंदा था मेरा वॉशरूम और टाइल्स में बहुत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जो ड्रेन एरिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गंदा था, इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो, मतलब बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ये तीन जन हम एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। और इसीलिए मैं उसके अंदर में ब्रश की हेल्प से, टूथब्रश की हेल्प से मैं साफ़ कर लूँगी, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी, उसका जो ड्रेनर है, और बहुत क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैं टॉवल में वाइप करती हूँ, मैं ये जब भी क्लीन करती हूँ ना वॉशरूम डीप क्लीन, मैं ऐसे ही वाइप कर लेती हूँ। मेरे पास एक पुराना टॉवल है, एक मैंने वाइप के लिए रखा है घर का फ्लोर, और एक मैंने रखा है ऐसे वॉशरूम क्लीन करने के लिए। और बहुत अच्छे से आप पानी वाइप कर लोगे ना, वो चमक रहता है वॉशरूम में, बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा उसके बाद मुझे पता है फिर से गीला हो जाएगा, लेकिन मुझे ना फील होता है कि नहीं मैंने कुछ क्लीन किया है। ऐसे वाइप करने से पूरा पानी सूख जाता है। और यहाँ पे पूरा मैं क्लीन कर लूँगी, पूरा वाइप कर लूँगी। इतना सूखा, मुझे जितना सूखा वॉशरूम रहता है ना, मुझे उतना हाइजेनिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जितना गीला गीला रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी डीप क्लीन करती हूँ ऐसे ही वाइप कर लेती हूँ, और मुझे मन की वो शांति होती है ना, मुझे शांति मिल जाती है। और
हाथों में सो इतना कर लिया ना हाथों में, तो अभी मैं पैरों से कर रही हूँ। ये बहुत इजी तरीका है, पैर में आप रोज़ भी ऐसे कर सकते हो। आपका बड़ा वॉशरूम है तो आप ऐसे टॉवल रखो और ऐसे वाइप करो, बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है वॉशरूम और बहुत नीट रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। और अभी हो गया है वॉशरूम पूरा क्लीन। मैं आपको कैमरा में इतना कैप्चर नहीं कर के दिखा पाऊंगी जितना हुआ था मेरा, बहुत अच्छे से क्लीन हुआ था, पूरा साइन कर रहा था टाइल्स वगैरह। आप लोग रेड हार्पिक यूज़ कीजिए, बेस्ट रहता है। और यहाँ पे मैं वापस सब जो भी सामान मेरा था वो मैं वापस रख लूँगी अच्छे से, जहाँ पे जो चीज़ था। और यहाँ पे मेरा सोप और हस्बैंड का सोप रख लूँगी, यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर जो भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो सब चीज़ मैं वॉशरूम में रख लूँगी। और यहाँ पे एक वॉशरूम फ्रेशनर जो कि फ्रेगनेंस के लिए होता है वो भी एक रख लेंगे, वो फ्रेश रहता है वॉशरूम। और यहाँ पे मैं जो बॉकेट वगैरह रखती हूँ वो मैं साइड में रख लूँगी। अभी हो गया है पूरा वॉशरूम क्लीन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक बाय बाय।